सर आपका आजूरियम स्वागत है। आजूरियम लेकर आए, इसका टाइटल है दिवाली स्पेशल संडे ब्रंच विद कार्तिक आर्यन एंड काम्या जानी एपिसोड 145 कर लीटेस। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें, इनके चैनल को उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रात के 12 बजे लड्डू बना रहे बूंदी के। Oh my God, आपने ये लड्डू बनाए या मोदक? क्या ये ग्लव्स में कुछ प्रॉब्लम है? नाचना आए तो आंगन टेढ़ा। नाच तो आता है मुझे। तो भूलभुलैया वाला बैठे बैठे मुझे वो स्टेप बता दो। ऐसे नमस्ते करो, लेफ्ट हैंड नीचे, ये अभी अंदर से लेफ्ट हैंड, ये गया बाहर। Nice, yeah. Tabu, Vidya ji, Madhuri ma'am, who do you prefer as Manjulika? ये तो फंस जाऊंगा। ये पसंद है आपको फ्राइड नूडल्स विद सेज़वान सॉस? सुपर है, ये मेरा फेवरेट है। एग्जैक्टली, गुड टू निबल ऑन। अगर मैं आपको बोलूं कि इस दिवाली आप जो मांगो और आपको वो मिल जाए, व्हाट वुड बी दैट विश? मैं ना वो बताना कहीं नहीं लगता मुझे, मैं सुपरस्टिशियस हूं मामले में, मैं बहुत मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूं। दैट मुझे एक्टर बनना था वो सच हुआ। मेरी ड्रीम कार खरीदनी थी वो मैंने खरीद ली। कौन सी है वो ड्रीम कार? लैम्बोर्गिनी। हाय, दिस इज कार्तिक आर्यन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। वॉच दिस एपिसोड फर्स्ट ओनली ऑन कर्ली टेल्स ऐप, डाउनलोड इट नाउ। अनार, सूतली बॉम्ब, रॉकेट। दिवाली का टाइम है, स्पेशल टाइम है, त्योहार है, तो ये एपिसोड आप मोबाइल पर नहीं बल्कि टेलीविजन पर अपने परिवार के साथ देखना, क्योंकि आज के जो हमारे संडे ब्रंच के गेस्ट हैं वो जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक रोल्स के लिए। अब चाहे वो प्यार का पंचनामा का मोनोलॉग हो, भूल भुलैया की कॉमेडी वाली टाइमिंग हो, या फिर चंदू चैंपियन की सॉलिड एक्टिंग हो। सो ऑन दिस एपिसोड ऑफ संडे ब्रंच दिवाली स्पेशल प्रेजेंटेड बाय सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 सीरीज एंड गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा, हम करेंगे इन फटाकों से धमाका विद कोकी। नहीं समझे? कार्तिक आर्यन यार, लेट्स वेलकम हिम। नहीं। अब मुझे तो हर चीज डॉक्यूमेंट करना पसंद है, एंड फॉर दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई हैव द राइट टेक। द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 सीरीज इज क्वाइट अ गेम चेंजर। इसका स्टनिंग डिस्प्ले मेरे फोटोज और वीडियोस को पॉप करता है इवन इन ब्राइट सनलाइट, एंड दिस S Pen, वेल इट लिटरली फील्स लाइक राइटिंग ऑन पेपर, परफेक्ट फॉर जॉटिंग डाउन थॉट्स ऑन द गो। आई टोटली लव दिस स्लीक डिजाइन, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इजी टू हैंडल। तो चलो, आ चुके हैं हमारे जाने माने क्यूट से भूत एंथुसियास्ट कार्तिक आर्यन, लेट्स गो। Wish you a very happy Diwali, Koki. Thank you so much. हमारे audience जानना चाहेंगे ये Koki नाम आया कैसे? Actually मुझे भी नहीं पता, बस मम्मी को ऐसा लगा दिमाग में कि मुझे देख के कि इसका नाम Koki रख। There is no backstory to it. मुझे पता चला कि Koki पराठे भी होते हैं। सिंधी dish है, एक सिंधी पराठा है। You know दिवाली का time है। This is the time when we are usually spending time with family. तो आप हमेशा दिवाली पर क्या करते हैं? बचपन की अगर बातें करूँ तो of course वो एक हमेशा से excitement रहता है कि नए कपड़े खरीदेंगे, वो पहनेंगे। के साथ ऑफ कोर्स हम लोग घरों में जाते थे एक दूसरे के, एंड वी यूज्ड टू हैव स्वीट्स एंड वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। आई थिंक हॉलीडे मोड रहता है, फेस्टिव मोड रहता है। और फटाके भी फोड़ते थे। आज हम लाए हैं कुछ फटाके, ये मैं आपको अभी एक जला कर देती हूं। रॉकेट सीधा आप पे उड़ेगा, ये सीधा मेरे पे उड़ेगा? सीधा उड़ेगा। उड़ाऊं? नहीं, मत उड़ाइए। अरे अगर गलती से उड़ जाता तो? ये चॉकलेट है। अच्छा, ये चॉकलेट है? हाँ, खोल कर देखो। We don't promote firecrackers, but chocolate आपको पसंद है? But ये सारे फटाके जो chocolates हैं? हाँ जी। Wow, super है। मैं तब से सोच रहा था आपने यहाँ पे फटाके रखे हुए हैं, और क्यों रखे हैं मैं ये सोच रहा था। तो मुंबई में जब से आए हैं दिवाली अलग होती है या? I think कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता है दिवाली के टाइम। I think इस बार नहीं मिलेगा, बिकॉज इस बार भूल भुलैया रिलीज हो रही है उसी टाइम। जब भी दिवाली होती है तो अब मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। I like to spend time with them. Have you got any invitation? कोई दिवाली पार्टी हो रही है बॉलीवुड में? पार्टीज भी बहुत होती है दिवाली पार्टी। तीन पत्ती आती है खेलना? मैं एक्चुअली बस एंजॉय करता हूँ। आई मीन इट्स लवली टू मीट
of course people from the industry also. And it's also a good time to release a film then. Correct. Bhul Bhulaiya aapki aa rahi Diwali ke time par. To aap hame darane wale hain. Aur hansane bhi wale. To hum Diwali ki baat kar rahe hain. Kabhi aapne laddu banaye? Laddu maine gol gol ke banaye nahi. Acha aap righty ho ya lefty ho? Main righty. To aaj aapko left hand se laddu banane hain. Ek minute mein aap aur main jisne sabse zyada laddu banaye wo jeetega. Kya jeetega? Wo hum game ke baad batayenge. Bhul Bhulaiya ki free tickets milengi. Par ab hame raat ke 12 baje jo hum ye kar rahe hain हम लड्डू बनाएंगे सीरियसली ये हमारा प्लान था 7:30 बजे करने का अब 12 क्यों बजे वो आप बता दीजिए इंटरव्यूज लंबे चलते गए मतलब रात के 12 बजे अगर टूट गया तो वो काउंट नहीं किया जाएगा कितने बनाने हैं एक मिनट में जितने बना सको रेडी जस्ट पुट द टाइमर ऑन टाइमर भी है सही में लड्डू बना रहे हैं यार 12 बजे रात के एक बन गया ये कैसा है राउंड होना है अच्छा सा अरे वो बड़ा लड्डू है वो लड्डू का टेस्ट में मतलब है ना ये पे क्या है देखो हम ऑडियंस को अच्छे से बना रहे हैं ज्यादा अच्छे बना रहे हैं तो थोड़ी शिद्दत से यार आप तो एकदम ही लड्डू बना रही हो फिर आपको क्या लगता है लड्डू बन रहे हैं प्रॉपर बताने भी है क्या ये ग्लव्स में कुछ प्रॉब्लम है नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा नाच तो आता है मुझे लड्डू नाच तो देखा आपका हमने स्पूकी स्पूकी स्लाइड स्पूकी स्लाइड क्या डांस किया है मतलब वो जो टाइम अप उसपे स्टेयर्स उसको स्पूकी स्लाइड ओह माय गॉड आपने ये लड्डू बनाए या मोदक मैंने कितने बना लिए इतनी चीटिंग कर 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 भी टूटे हुए सारे बनाए आपने 1 2 3 4 5 चलो एक तो अच्छा था एक अच्छा ये वाला लड्डू अच्छा बुरा नहीं है पर आपने इतनी सारी कुकिंग करी है न्यू बॉम्बे बट ऐसे लड्डू थोड़ी बनाए ये कि गोल गोल लड्डू बना लो चलो कोई बात नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली रोटी बना सकता हूँ गोल Proper. बहुत बढ़िया Proper gold roti. Let's play a spooky game. I'm going to use Samsung Galaxy Book 4 Pro 360. एक बहुत ही cool feature use करेंगे called second screen where you can seamlessly connect the devices and use the tap as the second screen. आपने हमें एक ही भूतनी से introduce करवाया है which is Manjulika. पर आज हम आपको इंडिया के अलग अलग प्रकार के भूतों से introduce कराएंगे. Okay. अच्छा ये आपकी screen है? हाँ जी ये मेरी screen है जो share हो रही है. अरे बाप. And you can see. बताइए. उल्टे पैर है, लंबे बाल है इस भूत का नाम क्या है उल्टी चुड़ैल मुझे नहीं पता चुड़ैल ही होता है उल्टी चुड़ैल क्या अच्छा, उसके पैर उल्टे हैं तो नागिन नाग देवी नागिनी इच्छाधारी नागिन अच्छा इच्छाधारी नागिन ये बताओ बेताल ओ क्या सही, बोला सही बोल दिया चिंपांजी लग रहा है पता है क्या ये भूत भूत पिशाच बट वो हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट ना आवे आता है आपको हनुमान चालीसा वो इतना ही आता है नहीं नहीं ये इतना ये वाली लाइन इतनी आती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आगे पतित जय कपी सतीहु लोक उजागर जय कपी तिहु लोक उजागर तो हमारे भूलभुलैया 4 में और थोड़े नए भूत इंट्रोड्यूस होने करेक्ट करेंगे बहुत एक्साइटिंग ये एलियन ये क्या है तो बच्चा भाग रहा है कोलकाता का है ये भूत मंजुलिका मंजुलिका की फैमिली से निशी डाक जो बांग्ला के हमारे व्यूअर्स है वो इसमें कमेंट में स्टोरी बताएंगे आपको अच्छा तो ये हमेशा डार्क प्लेसेस पर मिलते हैं अच्छा। और आपके जो लव बंस होते हैं उनकी आवाज में आपको पुकारते हैं ये क्या है मुझे नहीं पता था इनकी कहानियां होती थी जिनके ये बाप करेक्ट अच्छा इसके बाद वाला जो देखो ये बड़ा स्कैरी है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है क्या इसका नाम है मुंह नोचवा ये कहाँ पे पाया जाता है उत्तर प्रदेश में और आपको खाना क्या पसंद है स्वीट्स बहुत पसंद है मुझे डिजर्ट्स पसंद है इंडियन कोई भी क्विजीन सब पसंद है दाल मखनी पनीर बटर मसाला या फिर छोले भटूरे और हमने आपके बड़े सारे वीडियोस देखे हैं एक सागर चाइनीज के पास जाकर आप गाड़ी खड़ी करके मैं चाइनीज मेरे को चाइनीज खाना भी बहुत पसंद है तो मुझे स्ट्रीट फूड स्पेशली बहुत पसंद है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको कोई ना कोई आउटलेट पे ऐसे मिल जाऊंगा कभी भी खाते हुए तो आज 12 बज गए आपने यू हैड अ वेरी लॉन्ग डे जी तो हमने सोचा आज आपको हम स्ट्रीट वाला चाइनीज फूड खिलाएंगे बूंदी के लड्डू और चाइनीज कोई नहीं लेट्स बिगिन द संडे ब्रंच सागर चाइनीज ये पसंद है आपको फ्राइड नूडल्स विद फेस बॉन्स सुपर है ये मेरा फेवरेट है
आपको खाने पीने की आप बताइए आपको क्या पसंद है। तो सबसे पहले तो डिमसम पसंद है या रामेन? रामेन। इंडो चाइनीज या ग्वालियर का स्ट्रीट फूड? ग्वालियर का स्ट्रीट फूड। वहाँ पे आलू चाट बहुत अच्छी मिलती है, पानी पूरी आलू चाट। हॉलीडेज के लिए बीचेस ज्यादा पसंद है या माउंटेन? मुझे एक्चुअली में दोनों पसंद, बट अगर चूज करना है तो माउंटेन। कोई है इंडिया में फेवरेट जगह? कश्मीर। रसमलाई ज्यादा पसंद है या चॉकलेट? रसमलाई। खाओगे रसमलाई? वो भी लाएं। अभी अभी तो रात के 12 बज चुके हैं, लग रहा है काफी टायर्ड है ना। इस बार ट्रेलर में हमें चार चार दिख रही हैं, भूतनिया या मंजुलिका, तो चारों ही मंजुलिका हैं या क्या है? हमने देखा विद्या जी और माधुरी मैम दोनों ही हैं, सो हाउ मेनी मंजुलिका ज्यादा है? ये तो आपको थिएटर में जाके पता लगेगा, बिकॉज अभी ये बहुत सरप्राइजेस हैं इस फिल्म में जो रिवील होंगे वंस द फिल्म इज आउट। एंड बिफोर दैट मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस आई थिंक ये इंट्रीग वैल्यू बहुत अच्छी है, लोगों के सबके स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि ये होगी या ये होगी या यू नो व्हाटएवर, तो सबके थ्योरीज आ रहे हैं अपने अपने। इट्स फैसिनेटिंग टू हियर द स्टोरीज आल्सो। बट हु डू यू प्रेफर एज मंजुलिका, तब्बू, विद्या जी, माधुरी मैम? अरे यार ये तो बड़ा आपने डिफिकल्ट सवाल दे दिया, मतलब मुझे तो, मैं सबका फैन हूँ, किसी एक को तो चूज ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये तो फंस जाऊंगा। और रोमांस ही पिछली बार कियारा आडवाणी, इस बार तृप्ति डिमरी, हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद तृप्ति? सुपर एक्सपीरियंस, सुपर। आई थिंक I had a great time working with her and honestly speaking, मुझे इधर पे बहुत अच्छी टीम मिली है with every actor. I've had a great relationship. I enjoyed working with Tripti also. Where was this filmed? Basically हमने मुंबई में बहुत सारे sets पे shoot भी किया, कोलकाता में शूट किया, उज्जैन में हमने शूट किया, so, एमपी में भी काफी शूट हुआ है बेसिकली। जी। कोई प्रैंक किया आपने? ऐसे हॉरर मूवी कर रहे हैं, so who was the prankster? मैं तो नहीं था, लेकिन फिल्म में ऑलरेडी इतने फनी सीक्वेंसेस होते थे कि किसी को प्रैंकस्टर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसे ह्यूमरस सी सिचुएशन होती थी, वी वर जस्ट टू एंग्रोस्ड एंड हैप्पी इन दोस सिचुएशंस, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रैंक किसी पे खेल दिया या वो। पर कोई ऐसा सीन था जो बहुत सीरियस हो पर हंसी आए जाए? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है सीरियस सीन में, कई बार ना मैं एकदम बस हंसता रह जाता हूँ। थैंकफुली बोल रही ऐसी फिल्म है जिसमें ज्यादातर कॉमेडी, आई एम कमिंग फॉर यू मंजू जब बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी फनी है तो वो उसमें बोलने के टाइम ही हंसी आ रही है। आई ऑल्सो सॉ वन ऑफ योर लेटेस्ट सॉन्ग और उसमें एक स्पूकी स्लाइड जो काफी वायरल जा रहा है जी, और उससे आपको कार्तिक जैक्सन बोल रहे हैं, मतलब क्या मूव्स है वो? अच्छा, GFX AI कुछ भी नहीं है, खुद ही किया है, really? खुद की मेहनत है। आई एम ग्लैड दैट जिस तरीके से रिएक्शंस अभी तक आ रहे हैं इस गाने के, मैं भी सारे रिएक्शंस देख रहा हूँ, रील्स वीडियोस सब कुछ देख रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट हैप्पी। बुलबुला 3 टाइटल ट्रैक इज ऑल्सो ट्रेंडिंग द वे बुलबुला 2 टाइटल ट्रैक डिड, सो आई थिंक वो उस गाने ने भी बहुत सारी नई नई चीज़ें की थी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अलग तरीके से उसको शूट किया था। सेम 3 में भी जिस तरीके से कोलैब हुआ है विद पिटबुल एंड दिलजीत एंड नीरज जी, इनके साथ आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल ट्रैक टू बी एसोसिएटेड विद। पर वो बुलबुलैया वाला बैठे-बैठे मुझे वो स्टेप बता दो। ऐसे नमस्ते करो, लेफ्ट हैंड नीचे, ये अभी अंदर से लेफ्ट हैंड, ये गया बाहर और ये साइन, ये भी अंदर से गया और ये बन गया वापस से साइन। दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे सब करते थे ना बचपन में, ऐसे आप करते थे बचपन में? मैंने नहीं किया, मैं फिल्मों में जरूर करता हूँ। Okay. Never have I ever pranked my friends by pretending that a house or a hotel room was haunted. I have. You have. Never have I ever told a fake ghost story to scare someone. Yeah, the same thing. हम लोग शूट कर रहे थे भूलभुलैया में, तो तब थर्ड के टाइम कुछ एक्टर्स थे वहाँ पे जिनको नहीं पता था, हमने उनको बोला था ये लोकेशन हॉन्टेड है, वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से आती है और इसका नाम तक हटाया गया है वरना इसकी वैल्यू कम हो जाती है इस जगह की, तो ऐसे बोला था तो कुछ लोग डर गए थे। Never have I ever felt starstruck by a co-actor. I was starstruck when Madhuri Ji was there. What was your first impression of Madhuri? She's too poised and elegant, and I really like her the way she is. She's too professional with her work. She's too much engrossed in it. And what about Tripti? Very hardworking. And pehle bhi wahi socha tha aur jab mila tab bhi wahi dekha. Never have I ever shot a romantic scene that made me laugh uncontrollably. I've never laughed during a
काफी सीरियस हो जाता मैं रोमांस में. Never have I ever worn an uncomfortable costume for a role. I don't know, it's very relative. मतलब मुझे पता नहीं, मैंने शायद से उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं. Actually नहीं. Never have I ever eaten something weird or gross just for a film scene. Like right now? आई थिंक कई बार क्या होता है ना, वो फिल्म सेट्स पे जब आप एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे होते हो ना, आपको ब्लड देते हैं. कई बार मेरा एक दो बार ऐसा है कि लिप पे ब्लड है या फिर दांत पे वैसा ब्लड. वो ब्लड एडिबल होता है, सॉस जैसा होता है या वो टेस्ट आता है उसका. एक्शन सीक्वेंस के टाइम टेस्ट करना ही पड़ता है. कैसा टेस्ट है? नहीं नहीं अच्छा है, डेजर्ट है, मीठा. हाँ थोड़ा और मंगाता हूँ और खून दो. अगर मैं आपको बोलूँ कि इस दिवाली आप जो मांगो और आपको वो मिल जाए, व्हाट वुड बी दैट विश? मैं ना वो बताना सही नहीं लगता मुझे, मैं सुपरस्टिशियस हूँ मामले में. बट व्हाट इज योर फार्मूला कि जो चाहो आपको वो मिल जाता है? मैं बहुत मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता हूँ. मैं तो कई बार ऐसे भी करता था, मैं लिखता था चीजें, आई हैव टू अचीव दिस, आई वांट दिस इन लाइफ एंड दिस एंड दैट. तो मेरा पूरा ऐसा मैं लिखता रहता था. अगर मुझे पहली मेरी कार खरीदनी है तो मैं उसके बारे में लिखता था कि दिस कार, आई हैव टू बाय दिस कार. ऐसा टेल अस थ्री थिंग्स जो आपने बुक में लिखी हो और वो सच हो गई. दैट मुझे एक्टर बनना था वो सच हुआ. मेरी ड्रीम कार खरीदनी थी वो मैंने खरीद ली. कौन सी है वो ड्रीम कार? लैम्बोर्गिनी उरुस. छोटी छोटी चीजें हैं. हाँ मतलब घर भी है. मैंने हर चीज के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैनिफेस्ट किया है. अगर फोन भी खरीदना होगा तो मैंने वो तक भी कई बार ऐसे लिखा है कि हाँ मुझे अपने पैसों से खरीदना है बहुत पहले. इफ देयर इज एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू यंगर कार्तिक? नथिंग, जस्ट कीप बिलीविंग योरसेल्फ, यू विल बिकम एन एक्टर. वेल दिवाली इज ऑल अबाउट गिविंग और आज हम कर्ली टेल्स के एक लकी फॉलोअर का दिन और स्पेशल बनाने वाले हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ लाइव फैन इंटरेक्शन कॉल यूजिंग माय सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360. पायल भट्टाचार्य वो हमें ज्वाइन करने वाली है एंड शी वुड लव टू डू अ वीडियो कॉल विद यू. वो आपसे एक या दो सवाल पूछेंगे. लुक हु वी हैव हियर. हाय, हाउ आर यू? हेलो. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ नाउ दैट यू हैव बिकेम सो सक्सेसफुल? अभी काम में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया हूँ. आई डोंट हैव अ बैलेंस बिटवीन माय पर्सनल लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ. तो वो थोड़ा सा मैं लाना चाहता हूँ आफ्टर द रिलीज ऑफ भूलभुलैया. हाउ डज योर एवरी डांस स्टेप बिकम अ ट्रेंडसेटर? बिकॉज़ मे बी वी पुट इन सो मेनी एफर्ट्स एंड लॉट्स ऑफ थॉट बनाने से पहले कि क्या चीज आई थिंक अच्छी लगेगी लोगों को और शायद से मतलब इट विल बिकम दैट नेक्स्ट book step that everybody will follow. So I think I've been really lucky with the teams that have designed my choreographies or my songs. From Dheeme Dheeme to Coca-Cola to now this Bhulbhulaiya 2 to Bhulbhulaiya 3, everything. So I'm just really lucky. Thank you for answering my questions. Thank you, Paya. Thank you for Diwali in advance. Diwali, ye moh to meetha karna banta hai ki nahi? Nahi. No cheating on the diet, which is very good, very good. Abhi Diwali mein thoda sa waqt hai. But you did mention about how it's difficult for you to balance personal and professional time and you are looking very, very tired today. So, aap kis tarah se apne aap ko, you know, energy dete that you still have to, you know, keep going. Keep at it. दिमाग में चलता रहता है pep talk तो. I'm addicted to my work and that's what keeps me motivated and keeps me going. And after Bhulbhulaiya, where are we going to see you next? Basu sir's next film, okay. Which I'm going to start soon and nothing else. I've not yet decided what I'm going to be doing. Mera plan abhi hai break lene ka. Jab jaise ye release hoti film, uske baad mujhe break lena. Okay, we wish you all the best, Kartik. Thank you. बहुत मजा आया आपसे बातें करकर. Thank and you. Wish you a happy Diwali and I hope Bhulbhulaiya 3 is a huge success. Thank और you. आप अच्छे से celebrate करें इसकी success. Thank you so much. भाई अभी 2-3 दिन तक जो है वो दिवाली जो है वो आने वाली है, लेकिन जो है ना भाई कर्ली टेल्स में दिवाली की जो सेलिब्रेशन है वो पहले ही कार्तिक आर्यन के साथ जो है वो हो चुकी है. और भाई सिनेमाज में तो होगी ना जो भूलभुलैया आएगी. वैसे मैं ये बस सोच रही थी कार्तिक को देखकर कि काफी टफ स्केड्यूल होता है. मतलब आफ्टर आप कह लो कि जैसे वो आफ्टर तो नहीं है, बिफोर रिलीज कह लेते हैं कि जो प्रमोशन करनी होती है, डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, लाइक 12 बजे रात के वो इतने टायर्ड लग रहे हैं और फिर भी आपको यू नो एक कमिटमेंट जो है वो पूरी करनी है. सो नो डाउट आप अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डेडिकेशन तो शो करनी पड़ती है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर आपका चेहरा जो है ना वो बता देता, आपकी आंखें बता देती हैं कि जो इंसान है वो बहुत थका हुआ है. देखे 7 बजे इंटरव्यू उन्होंने कहा था होना था, लेकिन वो 12 बजे आए. वही तो कह रही हूँ. तो आप खुद ही यहाँ से अंदाजा लगा लें कितना बिजी. वैसे दोनों साइड पर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखा
दिखाया गया क्योंकि उन्होंने भी वेट किया इतना लंबा और इस साइड पर भी कार्तिक जिस तरह से वो बैठे रहे हालांकि वो जैसे बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे थे। अच्छा मैं एक जो है ना वो वीडियो मैंने कल देखी थी उसमें जो है ना विद्या बालन जी के साथ और माधुरी मैम के साथ जो है वो मेरा ख्याल है वो हो रहा था वहां पर ना इंटरव्यू प्रमोशन जो है वो हो रही थी तो उसमें विद्या बालन जी ने ना अपना पैर बिल्कुल पीछे मोड़ लिया। Seriously? Oh God, okay. मैं देख के हैरान था। लेकिन ये अच्छा था एपिसोड लाइक जिस तरीके से एक एक आप कह लो कि चिटचैट आपको सुनने को मिली और जो डेडिकेशन होती है एक एक्टर की जिस तरीके से वो सेक्रीफाइस करते हैं वैसे आगे खाना पड़ा हो और इतना सेक्रीफाइस तो वाकई में बड़ा मुश्किल होता है हमारे जैसे लोगों के लिए। सही बात है सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई खाना जो है ना खासतौर पर जिन्हें अपने आपको फिट रखने का शौक हो और उनसे ना रहा जा रहा हो। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं होते हैं के मतलब सामने टेबल पे पड़ा होगा अगर उन्होंने नहीं खाना तो नहीं खाना। बिल्कुल वाकई मैंने जो है मैंने भी ऐसे लोग देखे तो भाई वाकई में इसके लिए आपको बड़े बहुत है डेडिकेशन जो है वो चाहिए आपको जो है ना वो जिंदगी में ना कहने वाली एक आदत जो है वो चाहिए कोई भी आपको कहे ना खा लो नहीं मैंने नहीं खाना वो ना वाली आदत जो है ना अगले बंदे को इनकार करने के लिए नहीं वो आपको अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए ना आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए वो ना जो है वो कहना आना चाहिए। हम जैसे लोगों के सामने भाई बोतल पड़ी कुछ अच्छा मीठा खाने को जैसे मैंगो हाँ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हो मैंगो डिलाइट या पाइनएप्पल डिलाइट पड़ी गई डाइट बाहर में खाते हैं कल से फिर स्टार्ट कर देंगे मौसम ऐसे ही इसीलिए ऐसे बोला। लेकिन खैर एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी और वो जो मैनिफेस्टेशन का उन्होंने जिक्र किया सो बहुत सारे लोग और बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट किया करें होती हैं चीज़ें पॉसिबल तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो चीज़ें हैं ये ट्राई करनी चाहिए। बट आगे मौजूद में इतनी खौफनाक पिक्चर लेकर आया मैं ना उसका भी जिक्र कर लेना हाँ इसको मैनिफेस्ट नहीं मैं करना चाहती बहुत हाँ ये तो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन वैसे मैं एक्चुअली में जानना चाहूंगी कि जितनी भी स्टोरीज बीच में सुनाई है जो डिफरेंट डिफरेंट साइड थी वो सच में या फिर वो मूवीज की हैं। मेरा ख्याल है शायद वो होती भी होंगी क्योंकि अगर हम भी अपने यहाँ पर पंजाब में बात करें तो छलावा होता है यहाँ पर हाँ होता है और ना वो बहुत तंग करता है ऐसा सुना। शुक्र है कभी मैंने देखा नहीं है लेकिन हाँ। हमारे बड़ों ने देखा तो इस वजह से हमें कभी देखने का मौका भी ना मिले हम हाँ, यही चाहते हैं। मैं भी नहीं चाहती यार सबसे वो मुझे डरावना तो वो लगा था जो आपके अपने प्यारों की सही बात है यार कैसी कैसी पावर्स ली हुई है यार इन लोगों ने गलत है बहुत गलत है अन्याय है हमारे साथ। लेकिन क्या करता होगा मार देता होगा बाद में क्या मेरा ख्याल है शायद या तो तंग करता होगा या आपके ऊपर हावी हो जाता होगा। वैसे जो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है ना उसका भी मैंने सुना हुआ है हमारी फैमिली में अब तो उनकी डेथ हो गई है अंकल की लेकिन ये कि मतलब उन्होंने देखी थी ऐसे एक चुड़ैल ना उल्टे पैरों वाली अच्छा फिर आगे क्या बताओ मतलब लंबी स्टोरी हो जाएगी ना। अच्छा तुमने वैसे कभी सुना है ऐसे कि उल्टे पैरों वाली चुड़ैल जो है वो मैंने तो वैसे फिल्मों में ही देखी है रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि चुड़ैल कैसी होती है हाँ। अच्छा तो कल वाले लाइन दोहराने लगा था वैसे तो सुनने में तो ये भी आ गया हमारी मासी ने भी देखी है चुड़ैल हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मुझे याद है हाँ उन्होंने कब्रिस्तान में देखी थी मुझे याद आ गया। लेकिन वैसे ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं मैं बिल्कुल इस चीज़ पर यकीन करती हूँ। अच्छा वैसे वो जो स्पूकी स्लाइड वाला था पता नहीं क्यों मुझे तो लगा कि क्योंकि मैंने शायद किसी रील में देखा था कि वो जो ऐसे यू नो स्टेयर्स वाला हाँ। था उसको बोलते हैं स्पूकी स्लाइड डांस मूव अब पता नहीं दूसरा वाला आ गया ये तो मुझे नहीं पता था। बट खैर एनीवे ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफ़ी डिफिकल्ट डांस है भाई इजी नहीं है जिस तरीके से मतलब उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है और मुझे लगता है कि इतने क्रिएटिव और इतने डिफिकल्ट जो डांस मूव्स हैं ये मतलब दिमाग में आते कैसे हैं कि भाई इस तरीके से अब इस साइड पर जाना है मतलब क्या अच्छा टाइम था ना पहले आराम से आपको डांस मूव इजीली यू यू करके स्टेप पूरा अरे फिल्मों पुरानी फिल्मों में स्टेप होते यू यू कर स्टेप पूरा हाँ तो अच्छा लगा करता था ना। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा और भूल भुलैया 3 कौन कौन देखने जा रहा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और इसी के साथ मंजिल आज हमारे वीडियो को चैनल करें।